जी नमस्कार, मैं राजा नाई, सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है नव निर्वाचित प्रधान रजा मेहंदी जी, लेकिन आज रूपरेखा इंटरव्यू की दूसरी है, क्योंकि हम आज राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम सामाजिक मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रधान जी का कहना है कि आज आप सामाजिक मुद्दे पे बात करें, अगली मीटिंग में हम राजनीतिक मुद्दे पे बात करेंगे जब कुछ कार्यों का आगाज हो जाए। चलिए श्रीमान जी, पहले तो सच की रफ्तार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना परिचय एक बार हमें बता दें। नाम मेरा रजमणी, ग्राम प्रधान है जी। सर थोड़ा सा तेज बोलने हो करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जिला प्रधान रजमणी, रजा मेहंदी जी। अच्छा रजा मेहंदी जी, सिर्फ सामाजिक बात करते हैं, आपके गांव में आपने दो बार सैनिटाइजर करवा दिया, वो भी बिना किसी पद पर रहे हुए, शपथ पद भी आपने ग्रहण नहीं की थी, इसकी वजह मैं जानना चाहूंगा। चाहे उसने आपको वोट दी हो या ना दी, आपकी नजर में सब एक मेरे मन में। अच्छा सर, आपने सफाई भी करवाई कुछ निजी कर्मचारी लगा के? सफाई करवाई के बीमारी का वो चलता जी, इसलिए कुछ सफाई रहेगी, सफाई के बाद सैनिटाइजर करवाया। अच्छा, पांच साल यूं ही काम चलता रहा? हाँ ऐसे ही चलता रहे, सफाई चलती चलती। अच्छा सर, आज 1 तारीख को अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने कर दी, क्या आपको लगता है कि अनलॉक होना चाहिए, लॉकडाउन लगा रहना चाहिए? लगा रहना चाहिए लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में? पूरे भारतवर्ष में लगना चाहिए, उसकी वजह मैं जानना चाहूंगा। बीमारी जो बीमार है अपने घर में तो रहेंगे, फिर डॉक्टर आगे उनका इलाज करवाते हैं, मतलब जब तक ये बीमारी संपूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए, तब तक लोग अभी बीमारी काफी है, काफी है मैं मानता हूँ। आप ऐसे प्रधान मिले अभी तक मिले जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन तब तक लगा रहना चाहिए तब तक बीमारी खत्म ना हो। अच्छा सर, COVID-19 को लेकर क्या आप अपने गाँव वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? मेरे गाँव वाले अपने घर में रहे, सेफ रहे और मास्क लगा के रहे, और किसी से मिले नहीं, कोई बाहर का उसे अपने सावधानी बनाए रखे, सावधानी घर से बाहर न निकले। चलिए एक आखिरी प्रश्न सर, मैं अभी बैठा था, 4-5 लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो आपसे बहुत सारी अपेक्षा है, बस एक उनमें से अपेक्षा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस बार खेल का मैदान मिलेगा नौजवानों को गाँव में? खेल का मैदान मिलेगा, मिनी स्टेडियम बनेगा और डिग्री कॉलेज बनेगा। अच्छा, डिग्री कॉलेज भी बनेगा और खेल का मैदान भी मिलेगा। देखिए एक सवाल पूछा था, उन्होंने दो जवाब दे दिए। इस बार तोहफे में खेल का मैदान मिलेगा, डिग्री कॉलेज मिलेगा, शिक्षा और फिटनेस दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ पूछ नहीं सकता, वरना वो राजनीतिक मुद्दे हो जाएंगे। एक आखिरी बात सर, सच की रफ्तार के माध्यम से अपने गांव वासियों से COVID-19 को लेकर कोई संदेश देना चाहिए? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि अपने घर रहें और अपना कहीं बाहर ना निकले, अपने गांव में ही रहे, और कोई बाहर का कोई रिश्तेदार हो कोई भी हो उसे आने ना दे, फोन पर मना करें। अच्छा, आपके गांव में अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आपसे संपर्क कर सकता है? हाँ जी, मेरा 24 घंटे उनके लिए, गांव वाले के लिए तैयार। अच्छा, दवाई के लिए भी, हर चीज के लिए, चाहे वो आपका वोट बैंक हो या ना हो, ये सिर्फ मानवता है। तो ये रजा मेहंदी जी, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि बेवजह घर से बाहर ना निकले अभी, और लॉकडाउन अभी रहना चाहिए तब तक ये बीमारी संपूर्ण रूप से बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, लेकिन इसके लिए हम सबको इकट्ठा होकर सफाई पे विशेष ध्यान देना होगा। अकेले प्रधान जी नहीं, अकेले भारत सरकार नहीं, अकेले राज्य सरकार, ये सब तो कर ही नहीं अपनी कर्तव्य पूरा, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य भी पूरा करना होगा। लोग अक्सर जिम्मेदारी से हाथ धोते हैं, साबुन से कम धोते हैं, तो साबुन से हाथ धोइए, जिम्मेदारी से ना हाथ धोइए, अपने आसपास सफाई बनाए। इसी के साथ दूंगा इजाजत, मैं राजन राय, सच की रफ्तार कैमरे पे अंजलि राजपूत, धन्यवाद।